तुम गई तो नहीं थी बेटे के साथ रिश्ते की बात करने? जाने की जरूरत भी नहीं है, मेरी ये मीटिंग नहीं होती तो मैं पहले ही बात कर लेता। आप जाएंगे रिश्ते की बात करने? दिमाग सही है तुम्हारा? मैं जाऊंगा रिश्ते की बात करने? मेरी अक्ल पे तुम्हारे बेटे की तरह पर्दे नहीं पड़े हुए, मैं ये रिश्ता होने ही नहीं दूंगा। आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगी? मलिक साहब, असफन प्यार करता है उस लड़की से। अरे ये प्यार वार कुछ नहीं होता, चौंचले होते हैं, भूल जाएगा लड़की को भी और उसके प्यार को भी। क्या मुंह लटका के बैठ गई हो आप? चाय पियो। मुझे ये बताओ कि तुम स्कूल छोड़ क्यों नहीं देती? तुम्हें पता तो है टीचिंग मेरा पैशन है और पैशन के बगैर जिया नहीं जाता। लेकिन थकती भी तो तुम खुद ही हो ना। लो पानी पियो। इस थकन का अलग ही मजा है। हेलो, मलक जहांगीर बात कर रहा हूँ। जी बोले, क्यों फोन किया आपने? अपनी बेटी को अजियत देने वाले इंसान से मैं बात नहीं करना चाहती। बात तो मैं भी आपसे नहीं करना चाह रहा था, मगर आपकी बेटी की वजह से मुझे बात करनी पड़ रही है। ये जो आपकी बेटी मेरे बेटे पे डोरे डाल रही है ना। जबान संभाल के बात करें मिस्टर जहांगीर। नहीं, ये अंदाज ये लहजा मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करता। और बता दीजिएगा अपनी बेटी को कि मलक जहांगीर मखबल में डाट का पैवंद नहीं लगने देगा और वो अपने दिल से मेरे बेटे के साथ शादी करने का ख्याल निकाल दे, वरना और भी बहुत से तरीके आते हैं मुझे ये रोकने के, समझी? कौन था? जहांगीर।